सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवानी सिंह। तो आज सब लोग आप यही सोच रहे होंगे, मेरे पास बहुत से व्यूअर्स के बहुत से कमेंट आ चुके हैं, बहुत से मैसेजेस आ चुके हैं कि जो मैंने आपको बता रखा है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स टेलीग्राम चैनल पे एडेड हैं तो मैंने उनको बता रखा है कि मैं पेड सर्विस शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब पेड सर्विस का मेथड क्या हो सकता है इस वीडियो में मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, और एक सेपरेट वीडियो भी मैं शायद आज नहीं तो कल मार्केट के अंदर ही ले आऊंगा, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। इंट्राडे गाइड पेड सर्विस के नाम से वो वीडियो बनेगी तो आप उसको एक बार और वॉच कर सकते हैं अगर आपको इससे क्लेरिफिकेशन नहीं मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं पेड सर्विस के बारे में, तो पेड सर्विस कैसी हो सकती है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक हफ्ते के बारे में। वीक में मंडे टू संडे का वीक होता है तो हम समझते हैं कि मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है। अब मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है तो मैं आपको जो डेली बेसिस पे, जैसे आज मंडे है, आज मंडे को आपको ट्रेड लेना है, आप सोच रहे हैं कि आज मंडे है, आज मुझे ट्रेड लेने का मन कर रहा है, तो आप मुझे मार्केट आज से एक घंटा पहले यानी कि 8 बजे आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं, और वो पेमेंट मैं आपको आगे वाली इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं, आप मुझे आज पेमेंट करेंगे, जैसे आपने मंडे को ट्रेड लेना, आपने मुझे मंडे को पेमेंट कर दी है तो मैं आपको मंडे के अंदर ही 3 चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। इस पेमेंट के अंदर आपको इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, जब भी मार्केट ओपन होगी आपको सिर्फ 2 कॉल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, और क्योंकि 2 से ज्यादा आपको कॉल्स नहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी क्योंकि उसमें मैं आपको BTST भी दूंगा जिससे आप मार्केट में अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ये वीडियो तो हमारे साथ चलती रहेगी क्योंकि इस वीडियो में जो आपको मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ वो स्टॉक्स से थोड़े ऊपर के लेवल में खुलते हैं, उसमें एंट्री लेवल और कहाँ लेनी है, कैसे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो सारी चीजें मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा जो पेमेंट आपसे मैं लेने वाला हूँ। और मार्केट में ही आपको मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी सजेस्ट करूंगा कोई पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत अच्छी आ रही हो जिससे आपको सबसे ज्यादा मुनाफा हो सके, या आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी की कोई मिल रही हो। तो इस हिसाब से मैं आपको ये 3 सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा, BTST, इंट्राडे कॉल्स और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड कराई जाएंगी इस पेमेंट के अंदर। अब जैसे आपने मंडे को ट्रेड ले लिया, आपको प्रॉफिट या लॉस हो गया, अब हम बात करते हैं हम ट्यूसडे की बार दी। तो अगर आपको ट्यूसडे को ट्रेड नहीं लेना, आप बिजी हैं, आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप मुझे ट्यूसडे को पेमेंट ना करिए, आपको मैं कॉल्स प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, आप ट्यूसडे को ट्रेड नहीं ले सकते। तो आपके लिए बेनिफिटेड है, जब आपको ट्रेड लेने का मन हो आप तब पेमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे मंथली बेसिस में ट्रेड के पैसे नहीं मांग रहा हूं क्योंकि अगर आप कहीं चले गए, आप बिजी हो गए तो आपकी कोई इमरजेंसी आ गए तो आपके पैसे भी डूब सकते हैं और आप फिर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो इससे अच्छा तरीका यही हो कि आपको डेली बेसिस में आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं, डेली बेसिस में अगर आप मुझे पेमेंट करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा क्योंकि आप मुझे मिनिमम पेमेंट देंगे, आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इंट्राडे कॉल्स में आपको 2 दूंगा, मैक्सिमम उससे ज्यादा हो सकती है BTST कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा, मार्केट आवर्स के अंदर ही आपको मैं BTST कॉल्स दूंगा कि आप अभी बाय करके चल सकते हैं और आपको कल के मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको मैं 3-3:30 बजे के बीच के अंदर अंदर ही दूंगा। ऑप्शन स्ट्रेटजीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1-2 दिन के लिए या और उसी इंट्राडे के लिए, तो आप जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये डेली बेसिस में अगर आप मुझे पेमेंट देंगे तो आपके लिए आसानी होती रहेगी क्योंकि जिस दिन आपको ट्रेड लेना आप उस दिन मुझे पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट ऑप्शन क्या है, पेमेंट कैसे करेंगे आप, पेमेंट मुझे पेपाल के थ्रू कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पेपाल का, पेपाल का आप मुझे डाउनलोड करेंगे मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, वो लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो उसी टाइम आप मुझे पेमेंट भेज पाएंगे, उसी टाइम आपसे मेरी पेमेंट हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट से वो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन, तो आप मुझे पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो
अभी कुछ टाइम के लिए मैं ये दो पे ऑप्शन चुन के रखा हूँ जिसमें मैं आपके लिए पेटीएम और पेपाल, तो आप जिससे कंफर्टेबल है मुझे उससे पेमेंट कर सकते हैं, पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप पेपाल डाउनलोड कर लीजिए, आप पेपाल इजी रहेगा क्योंकि आप पेपाल से मुझे इजिली डाउनलोड भेज सकते हैं, आप मैं आपको लिंक दूंगा उस लिंक के थ्रू आप मुझे इजिली भेज पाएंगे। अब बात करते हैं कि जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सर्विस मैं आपसे कब से शुरू कर रहा हूँ, तो अब नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है वहां से मैं सर्विस अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपके पास मंडे से पहले यानी कि संडे तक का आपके पास टाइम है, जो भी ऐड होना चाहते हैं, जो भी मेरी पेड सर्विस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी मैंने डाल दिया, जिसमें मैंने लिखा हुआ है इंट्राडे गाइड पेड, उसका लिंक आपको दबाना है और आप मेरे वहां पर आ जाएंगे और वही लोग आए जो मेरे से पेड सर्विस लेना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा, वो मैसेज को आपको रीड करके उसके हिसाब से आपको अपना गाइडेंस लेनी है जो आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अब हम आते हैं पेमेंट की तरफ, आपको दिन में मुझे कितनी पेमेंट देनी है, तो आपको जो दिन में मुझे पेमेंट देनी है वो होगी ओनली 50 रुपीज। आपने मंडे को ट्रेड लिया, आपने मेरे को अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 50 रुपए ट्रांसफर कर दिए, 50 रुपए में मैं आपको ये तीन सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा, ये तीन सर्विसेज में आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो भी आप अच्छे अर्न में रहेंगे, अगर आपको लॉस होता है तो भी आप अपने रिस्क में रहेंगे, तो आपसे मैं लूंगा 50 रुपीज मंडे को, जैसे डेली बेसिस में आपसे मैं 50 रुपीज लूंगा, अगर आपको 50,000 का प्रॉफिट है तो आपका वो प्रॉफिट है, अगर आपको लॉस हो तो वो लॉस आपका है, तो ये रिस्क आपके ऊपर होगा, अगर आप मेरे से सर्विस लेना चाहते हैं, आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये रिस्क सारा आपके ऊपर होगा। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि 50 रुपए दिन के हिसाब से बहुत महंगा है, तो आपके पास बहुत से सर्विसेज के कॉल आते होंगे कि आप हमारे यहाँ से सर्विस लीजिए, आप मुझे 10,000 दीजिए महीने के, 5,000 दीजिए, 15,000, 35,000 तक लोग मांगते हैं महीने महीने के, और वहां पर फिर अगर कुछ हो जाता है तो वो लोग कभी कॉल्स नहीं उठाते या ना कभी कुछ करते हैं, तो अगर आप मंथली बेसिस में मानेंगे कि आप मंथली में मुझे कितना दे रहे हैं, तो आप मंथली में कुल 1,000 रुपए मुझे दे रहे हैं, एक महीने के लिए मैं आपसे 1,000 रुपए मांग रहा हूँ, और आपको मैं कम से कम 20 दिन, क्योंकि 20 दिन मार्केट ओपन होती है पूरे महीने में, आपसे मैं 20 दिन के ट्रेड्स आपको तीन सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा, यानी आपको कुल 60 सर्विसेज में आपको एक महीने के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूँ सिर्फ 1,000 रुपए में, तो 50 रुपए आपके लिए दिन में देने की कोई आम बात नहीं है, आप आराम से 50 रुपए दे सकते हैं, क्योंकि आप दिन के अंदर ही 100 से 200 रुपए आराम से उड़ा देते हैं, तो 50 रुपए दे के अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्यों नहीं अर्न करेंगे, क्यों नहीं आप मुझे सर्विस के साथ, आप मेरी सर्विसेज के साथ जुड़ेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको शॉर्ट में डाटा बता दिया, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपका वहां पर क्वेरी का रिप्लाई जरूर दे दूंगा, और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिसको जब भी मैं इंट्राडे गाइड पेड सर्विस के लिए वो वीडियो लेकर आने वाला हूँ, शायद आज नहीं तो कल ही ले आऊंगा सुबह सुबह तक, तो वो आप वीडियो देखकर आप पूरा डिसीजन ले पाए, उसमें आपको मैं क्लियरफुली अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तो आपको अब बढ़ते हैं कल की मार्केट की तरफ, तो मैंने आपको जो आज स्टॉक सजेस्ट करे थे जिसमें मैंने आपको ऑरो फार्मा, एचसीएल टेक, आईओसी, बंधन बैंक, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बेचने की सलाह दी थी, सब आपको एचसीएल टेक बाय करने की सलाह दी थी, तो हमने देखा था कि हमारा ऑरो फार्मा जो था मैंने आपको बेचने की सलाह दी थी, उसमें हमारा पहला टारगेट हिट हुआ, उसके बाद थोड़ा नीचे जाया, फिर दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, फिर वहां से हमने बाउंस बैक आते हुए देखा और उसने हायर लेवल्स बना लिए, तो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर आपको सेक फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है और थोड़ा नीचे और ऊपर जाना शुरू करता है तो आप अपने फर्स्ट टारगेट को स्टॉप लॉस मान के प्रॉफिट की तरफ, सेकंड टारगेट की तरफ ट्रेल कर सकते हैं कि आपको लॉस ना हो, उल्टा आपको प्रॉफिट ही हो अगर आप वहां से एग्जिट कर भी जाते हैं, तो ऑरो फार्मा में आपको शॉर्ट प्रॉफिट हुआ होगा। एचसीएल टेक की बात करें तो हमें दोनों टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए, आईओसी की बात करें तो हमारे दोनों टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए, बंधन बैंक की बात करें तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बंधन बैंक का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें वहां पर लॉस होते हुए दिख गया, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो उसमें भी हमारा पहला टारगेट हमें अचीव होते हुए दिख गया, क्योंकि हमने देखा था, मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे वहां पर वेबसाइट पे न्यूज डाली थी बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, वो एक फंड रेजिंग की बात चल रही है, तो हमने देखा था कि वहां पर लोअर लेवल से फिर बाइंग आ गई थी, तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं पढ़ा होगा तो आप जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि मैं मार्केट ओपन होने से पहले पहले वहां पर ऐसे ब्लॉग्स डाल देता हूँ, जो भी मैं आपको मैं कॉल्स ये प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके बेसिस में अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आती है, कॉन्ट्रा न्यूज आती है, तो वो आप समझ के वहां से ट्रेड ना लीजिए, वरना आप ट्रेड लेके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप मेरे मार्केट ओपन होने से पहले उस वेबसाइट में जरूर विजिट करा करिए, उस वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कल कौन से स्टॉक्स अगर परफॉर्म करेंगे, तो सन फार्मा, सिप्ला, आईओसी, पिडिलाइट, टाटा मोटर्स, ये पांच स्टॉक्स मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ, तो कल मैंने आपके लिए सारे सेल साइड्स में आपको इतने टाइम से मैं प्रॉफिट कमा के दे रहा हूँ, तो आप सोचते हैं कि कुछ बाय साइड में भी हम प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे,
तो हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से सन फार्मा ने अपनी मूव दी थी, हमने देखा था कि इतने टाइम से गिरावट दिखा रहा था, पर हमने आज देखा कि इसने अपने एक बॉटम बनाया, वहां से हमने गिरावट आते ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखे, तो हम कह सकते हैं कि सन फार्मा शायद कल के मार्केट में थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म कर जाए और ये ज्यादा ऊपर नहीं गया, तो अभी हम कह सकते हैं ये और ऊपर जाने की इसकी अपसाइड बाकी है। तो 459, 465 तक के टारगेट्स हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 447 तक का आपको इसमें स्टॉप लॉस मान के चलना है। और अगर कभी कोई मार्केट में कोई स्टॉप लॉस के आसपास खुलता है, वरना स्टॉप लॉस के ऊपर खुलता है, तो आप वहां पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस के आसपास पड़ेगा, रिस्क आपका लिमिटेड होगा और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो सकता है। सिप्ला की बात करें तो बाय करने की सलाह दी जाएगी, 528, 533 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 518.70 का लगा के चलना पड़ेगा। सिप्ला क्ले और ऐसे जो मैंने आपको पांच स्टॉक सजेस्ट करा, उनमें से भी कोई ज्यादातर न्यूज आई है तो वो आप न्यूज पढ़ सकते हैं मेरे ब्लॉग चैनल पे, आपको अभी न्यूज शो नहीं करेगी, आपको सुबह 8 बजे वो न्यूज शो कर देगी, तो आप सुबह 8 बजे वो न्यूज पढ़ सकते हैं। आईओसी की बात करें तो हमने देखा कि हमें दोनों टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए, तो अभी भी मैं आपको शॉर्ट करने की सलाह दे रहा हूँ, आपको 163.60 का टारगेट स्टॉप लॉस मान के चलना, अगर थोड़ी ऊपर मिलता है तो भी आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, हमने स्टॉप लॉस के आसपास 158, 154 तक के हम इसमें टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $80 पर बैरल के ऊपर वापस चले गए हैं, तो हम कह सकते हैं अबान ऑफशोर जो ऑफशोर कंपनीज है वो आउट परफॉर्म कर सकती है कल के मार्केट में, HPCL, BPCL ये थोड़े शायद डाउनसाइड जा सकते हैं, तो उनको भी आप नजर रख सकते हैं, उसको भी मैं आपको इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड करा दूंगा अगर कोई रैली ऊपर या नीचे की तरफ बनती है। तो पिडिलाइट बाय करने की सलाह दी जाएगी, आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको स्टॉप लॉस बहुत दूर का सजेस्ट करा, तो मैं आपको बाइंग एंट्री लेवल बता देता हूं, अगर ये कल थोड़ा करेक्शन लेता है तो आपको इसमें 1110 के आसपास इसमें बाइंग पोजीशन बनानी है, अगर आपको 1110 के आसपास अगर पिडिलाइट मिलता है तो आप वहां पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 101106 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अपसाइड में आपको 1126 1135 तक के भी टारगेट्स मिल सकते हैं पिडिलाइट के अंदर, और अगर और ऊपर के लेवल्स मिलते हैं आपको तो आप अपना करंट मार्केट प्राइस जो आपको शो कर रहा है उसके नीचे आप तो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1-2 पॉइंट्स, वरना मैं आपको इंट्राडे में सजेस्ट कर दूंगा। टाटा मोटर्स हमने देखा था जिस तरीके से आज अपने इसने अपनी रिकवरी दिखाई, हम कह सकते हैं और ऊपर के अपसाइड्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिस तरीके से हमने देखा ये 300 रुपए के ऊपर इसने बाउंस बैक दिया, शॉर्ट कवरिंग आई है, तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली शायद 1-2 दिन तक और चल सकती है, पर हम कह सकते हैं कि ये रिस्की ट्रेड है, जो मैं आपको सन फार्मा ये सारी चीजें समझा रहा हूं, तो ये थोड़े रिस्की ट्रेड बन सकते हैं कल के मार्केट में, तो आपको थोड़ा रिस्क से इसमें ट्रेड करना होगा, और अगर आपने रिस्क बियर कर लिया तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट्स तक इसमें कमा सकते हैं। तो 312-317 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं इंट्राडे के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर, 298 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, थोड़े लोअर लेवल्स मिलते हैं तो आप इसमें वापस अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको मैं एक रेंज सजेस्ट कर रहा हूं, उस रेंज के ऊपर या नीचे निकलेगा तो हम क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, तो 10,480 के नीचे अगर हमें निफ्टी जाते हुए देखता है तो हम कह सकते हैं वो एक क्लियर ब्रेकडाउन है, हमें शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी, अगर 10,570 के ऊपर ये निकलता है और होल्ड करता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आप एक फ्रेश बाइंग बना सकते हैं 650 तक के लेवल्स के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो वही आपको मैंने एक लेवल सजेस्ट करके रखा हुआ है 25,680, इसने डबल टॉप बनाया, 2 दिन के अंदर डबल बॉटम बना चुका है 25,680 25,700 के आसपास, तो अगर उसे ब्रीच करके नीचे की तरफ बढ़ता है और सस्टेन करता है तो हम कह सकते हैं वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, और अपसाइड में 26,080 तक के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप वहां पर अपनी बैंक पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आपको आज प्रॉफिट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ मुझे आज प्रॉफिट हुआ, और लाइक बटन तो जरूर दबा दीजिए, आप मेरी पिछली वीडियोस में इतने लाइक बटन दबाते थे कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, तो आप लाइक बटन तो एक बार दबा सकते हैं, आपके वीडियो के नीचे ही लाइक बटन शो कर रहा है, आप एक बार उसे क्लिक कर दीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हर दिन लाते रहूंगा। तो यहीं पर ही मैं वीडियो को खत्म करता हूं, मुझे लगता है बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, तो शिवांश बसीन आपसे मिलता है कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।